जो मैं आपको बता रहा था, दी डिमांड साइड पॉलिसी जो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अब आपने याद रखना है कि डिमांड साइड पॉलिसी दो तरह की है, एक को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल, दूसरी होती है मॉनेटरी। दोनों का काम है कि दोनों डिमांड साइड पॉलिसी को, सॉरी एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि सर ये दोनों अगर डिमांड साइड को, डिमांड साइड पॉलिसी कहलाते हैं और एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो दोनों में फर्क क्या है? फिर फर्क यह है कि दोनों के टूल्स डिफरेंट है, और वो क्या जिनको ये इस्तेमाल करते हैं। फिस्कल पॉलिसी में हम इस्तेमाल करते हैं टैक्सेस को, जिसको टी से शो करते हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टी फॉर टैक्सेस, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्ट रेट को, और आप कह लें इसमें मनी सप्लाई, और इसमें एक्सचेंज रेट। इन तीन चीजों को, हम तीन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम ये चाहते हैं कि लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अभी शायद अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और गवर्नमेंट चाह रही है लो। अच्छा, इससे पहले एक और बात, फिस्कल पॉलिसी जो है वो या तो एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करती है, एग्रीगेट डिमांड को या तो ज्यादा करेगी या एग्रीगेट डिमांड को वो कम करेगी। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी की तो हम सब बाद में बात करते हैं, पहले हम इसकी बात कर लें। अब एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा होती है फिस्कल पॉलिसी के यूज करने से, तो हम इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी। अच्छा, इसके एक और नाम भी है, एक्सपेंशनरी भी बोल सकते हैं और इसको इन्फ्लेशनरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन करेगी, लेकिन उसका अभी पर्पस इन्फ्लेशन को रोकना है नहीं ना। एक्सपेंशनरी और इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी ये। अच्छा, और जब भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, अच्छा जब आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो आप ये पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी, एक्सपेंशनरी। तो अब जरा देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए, एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो, मैं इसको यहाँ नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करनी है, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। अच्छा, कौन से टैक्सेस हैं, ऑफ कोर्स इनकम टैक्स की बात हो रही है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देगी। ये किसका पार्ट है जी, ये है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का या इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी का। इससे क्या होगा, इससे ये होगा लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है। अच्छा, अब अच्छा ये मैं मॉनिटरी को जरा अभी फिलहाल मिटा देता हूँ, क्योंकि इसको अभी हमने आज डिस्कस करना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ बताया कि इसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे, ये लेकिन दोनों होती है, इसको हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, आपको पहले ये भी बता दूं कि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम, इसको ना हम शो करते हैं वाई डी से, इकोनॉमिक्स में डिस्पोजेबल इनकम को शो करते हैं वाई डी से। तो वाई डी इज इक्वल टू, वाई जो है ना वो लेटर वाई इनकम के लिए इस्तेमाल होता है, इनकम माइनस टैक्स, ठीक है। और ये कौन सा टैक्स है, ये है डायरेक्ट टैक्स, ये भी वैसे हमने पढ़ना है आगे टैक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्स यही होता है जो इनकम पे लग रहा है। तो जब टैक्स कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी,
ऑफ कोर्स, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो उससे लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब कंजम्पशन जब ज्यादा होगी तो कंजम्पशन किसका पार्ट है, वो है एग्रीगेट डिमांड का पार्ट। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो उससे जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज हो जाएगी चीजों की और प्राइस लेवल बढ़ेगा। जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उससे प्रोड्यूसर्स इनकरेज होंगे और वो क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा देंगे। और एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वर्कर तो चाहिए। हाँ जी, ये समझ आ गई बात की हमने। और ये यस बड़ा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये इस तरह से कनेक्शन बनाना है कि इसके करने से ये होगा, इसके करने से ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर उसको बड़ी वेटेज देता है। और ये इसी को हम बोलते हैं वेल डेवलप्ड। तो ये जितने आप ज्यादा करो कनेक्शन बनाओगे उतने ही आपको सफल होते हैं। और इकोनॉमिक्स में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है यूज ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स। जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक टर्म्स इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, तो ये हमने एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी के थ्रू हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी तरह से ये कहें कि हम चाहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आप चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फिर इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, या इसको हम डिफ्लेशनरी भी बोल सकते हैं। क्योंकि या तो डिफ्लेशनरी, देखिए, ये या तो प्राइसेस पे प्रेशर डालती है, डाउनवर्ड्स प्रेशर डालती है, या एक्चुअली प्राइसेस को कम कर देती है। वैसे तो डिफ्लेशन कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता गवर्नमेंट का, लेकिन एट टाइम्स गवर्नमेंट ने ये मेजर लिया और गवर्नमेंट को जो है वो गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो सका उसका इफेक्ट, और वो आपको डिफ्लेशन भी देती है। लेकिन डेफिनेटली ये प्राइसेस को डाउनवर्ड प्रेशर डालती है कि प्राइसेस तेजी से ना बढ़े। अच्छा, तो ये हो गया डिफ्लेशनरी फिजियोलॉजी, इस चीज को बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप कौन सा ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं अचीव करना है, जैसे हमने अभी कहा कि आप लो इन्फ्लेशन चाह रहे हैं, तो आप इसका ऑपोजिट करेंगे। क्या आप जो है वो टैक्सेस जो है उनको बढ़ाएं, कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ा देंगे, तो उसका ऑपोजिट होगा। हम इसी डायग्राम में देखते हैं जो बनी हुई है, कि हम आप क्या करेंगे कि आपकी जो आपका जो टैक्स है उसको कम कर देंगे, ये जो टैक्स है ना उसको कम कर देंगे, सॉरी कम कह रहा हूँ, ज्यादा कर देंगे। जब ज्यादा करेंगे तो जब डिस्पोजेबल इनकम है वो अब ज्यादा नहीं होगी, वो कम हो जाएगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी ज्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी, और चूंकि कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने से प्राइसेस या तो कम होंगी या फिर उन पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, मतलब वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी, और उससे फिर एग्रीगेट सप्लाई जो है ना वो अक्सर हमने आगे, अच्छा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। हमने देख रहे हैं सवाल क्या है, सवाल जब इन्फ्लेशन का है तो हमने कहा प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा और लो इन्फ्लेशन अचीव हो जाएगी, बस खत्म हो गई बात, आगे तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही इन्फ्लेशन का था कि अगर ये आता है कि गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तुम्हारी बात पूरी हो गई, तो ये है कॉन्ट्रैक्शनरी वाली बात हमने यहाँ पे कर दी। अच्छा, अभी तक मैंने फिजिकल पॉलिसी का एक ही टूल इस्तेमाल किया है, और जो कि है टैक्स, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अच्छा, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, वही एम्प्लॉयमेंट। अगर हम कह रहे हैं, हम कहते हैं, लेट्स से हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, वो कैसे बढ़ाएगी, गवर्नमेंट लेट से कोई प्रोजेक्ट कर रही है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, कोई बिल्डिंग है,
कोई कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, तो गवर्नमेंट जब भी स्पेंडिंग करती है तो कोई किसी प्रोजेक्ट पे करेगी ऑफकोर्स, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, राइट। एम्प्लॉयमेंट जब क्रिएट होगी तो उससे इनकम लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि नाउ पीपल आर गेटिंग मोर। जब इनकम लेवल बढ़ेगा तो उससे ऑफ कोर्स कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है, वो भी बढ़ जाएगा, और उससे प्राइसेस जो है ना, प्राइस लेवल वो भी बढ़ेगा, और प्रोड्यूसर्स जो है वो इनकरेज होंगे, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ा है, दे सी मोर प्रॉफिट इन प्रोड्यूसिंग, वो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दे। तो बस इससे क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अचीव हो गई, अब आउटपुट बढ़ रही है आपकी। तो ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तब भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल होती है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं तब भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल होती है, और टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करके दिखा दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से आप एम्प्लॉयमेंट भी अचीव कर सकते हैं ना, वो तो नजर ही आ रहा है। गवर्नमेंट जब डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रही है, चले थोड़ी बढ़ी है, उससे जब आगे इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड से प्राइसेस बढ़ रही है, उससे एग्रीगेट सप्लाई, तो इससे मैं अगर आगे चला जाऊं तो आगे यही होगा ना कि आप ज्यादा वर्कर्स हायर करेंगे प्रोड्यूसर, तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाएगी। तो आप दोनों टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप टैक्सेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप गौर करो तो क्या आपके जो ये आप जो मैंने बताया हुआ कि डिस्पोजेबल इनकम में कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे, बताया हुआ ना, तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये वही है ना, चेन तो वही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उससे प्राइस लेवल बढ़ेगा, और उससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही रुक जाओ, बेशक अगर ग्रोथ की बात है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, क्योंकि मोर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री। तो दोनों से आप ये ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ का और लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी की बात कर लें तो कॉन्ट्रैक्शनरी में जो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो इसमें रिवर्स होगा ना, इसमें जैसे हमने बात की है कि इसमें आपके जो टैक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, अभी जो हमने पीछे बात की है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। तो अब आप देखो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लो इन्फ्लेशन अचीव करना, तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि टैक्सेस बढ़ने से लो इन्फ्लेशन कैसे आती है, अभी हमने बात की है ना, ये है ना, बात हो गई है ना, ये यस तो अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से लो इन्फ्लेशन कैसे आएगी, वही आप देखो, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी तो कहीं प्रोजेक्ट्स नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो आगे इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो वो कंज्यूम भी नहीं करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा उस तरह से, या तेजी से नहीं बढ़ेगा जिससे प्राइस लेवल पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा और वो तेजी से बढ़ना बंद हो जाएंगी और लो इन्फ्लेशन अचीव हो जाएगी। चीजें वही है जो मैंने आपको राइट साइड पे एक्सप्लेन किया, उसी को कम ज्यादा करके आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। ये भी समझ आ गई? यस अच्छा, और मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको बता ही दिया कि उसमें आप टैक्सेस ज्यादा लगाकर लोगों से अमीरों से पैसे लेकर तो फिर स्पेंड करते हैं ऑन द पुअर एज वेल, और लो इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो वहां पर भी आप टैक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इम्पोर्ट ज्यादा हो रही है और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जा रहा है तो आप जो बाहर से आने वाली इम्पोर्ट्स हैं उन पर टैक्स लगा दें, तो बाहर से आने वाली चीजों पर जब टैक्स लगाएंगे तो वो महंगी हो जाएंगी, जैसे जैसे इम्पोर्टेड चीजें अभी आजकल जितनी आ रही है गवर्नमेंट ने उस पर बड़े हैवी ड्यूटी लगा दी है, तो वो महंगी हो जाएंगी तो लोग नहीं लेंगे, जब लोग नहीं लेंगे तो इम्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, है ना, समझ आती है नहीं बात की? सर, इंपोर्ट्स पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे। बिल्कुल, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है
वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, गुड्स या सर्विसेज, वो उस पर जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ दो चीजों पे लगता है, इनकम पे या वेल्थ पे। वेल्थ मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, वो आपके बाप दादा से आपको मिली है या आपने खरीदी है, वो उस पर टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है, वो सॉरी वो डायरेक्ट है। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जो चीजें हम लेते हैं खरीदते हैं, जो सर्विसेज हम अवेल करते हैं, वो आप एयरलाइन टिकट ले लो उस पर जो टैक्स लगता है, आप जो मोबाइल का कोई कार्ड लेते हो या कोई सर्विसेज अवेल करते हो, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट ही कहलाएगा टैक्स। जी समझ आ गई। यस चलिए आज हमने फिस्कल पॉलिसी कवर कर ली है, कल इंशाल्लाह मॉनेटरी और सप्लाई साइड भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि आगे लेके जाएं जल्दी ताकि खत्म करें। ओके जी, खुदा हाफिज।